नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही बेहतरीन सीरीज कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक से, विटामिन से। दोस्तों, इस वीडियो में हम MCQ के थ्रू हमारे इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे। हम इस टॉपिक को MCQ के थ्रू कवर करेंगे। आइए चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों, आपको मैं हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड्स दूंगी सोचने के लिए, आंसर करने के लिए, और आपको फिर लास्ट में बताना है कि आपको ये कितना स्कोर किया। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन इज नॉट फैट सॉल्यूबल। इनमें से कौन सा विटामिन फैट सॉल्यूबल नहीं होता? ए विटामिन बी, बी विटामिन डी, सी विटामिन ए, डी विटामिन के। और आपका टाइम शुरू होता है अब। यस फ्रेंड्स, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपके 10 सेकंड्स ओवर होने वाले हैं। यस बताइए। राइट, इसका आंसर होगा विटामिन बी। दोस्तों, जो हमारे विटामिन्स होते हैं, ये हमारा एक ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होता है, जो कि इसकी जरूरत हमारी बॉडी को चाहिए हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए। ठीक है, हमारे दो टाइप के विटामिन हो सकते हैं, फैट सॉल्यूबल और दूसरा हो सकता है वाटर सॉल्यूबल। सबसे पहले हम बात करते हैं फैट सॉल्यूबल की। जो फैट सॉल्यूबल होता है, इसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ हमारे पूरे ब्लड सर्कुलेशन में जाता है बॉडी के अंदर। तो इससे क्या होता है, ये जो एनर्जी होता है उसको स्टोर करके रखता है और हमारे जो मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं उसमें हेल्प करता है। ये आपके सामने एक पिक आई, दिस इज फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, इसी के द्वारा ये विटामिन ऑब्जॉर्ब किया जाता है। हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अडेक, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, फैट के ऊपर हमने क्या करा, अडेक कर दिया, लाइक अडेक से हमने बना दिया अडेक, ए डी ई के, अडेक। नेक्स्ट होते हैं हमारे बच्चों वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं? ये हमारी जो वाटर होता है बॉडी के अंदर, उसके अंदर बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, ये हमारी बॉडी से बहुत आसानी से निकल जाते हैं, हमारी जो टिश्यूज होती हैं बॉडी के अंदर उनके साथ निकल जाते हैं, बॉडी इन्हें स्टोर नहीं कर पाती। और हमारे वाटर सोल्यूबल कौन कौन से हैं? बी एंड सी, याद रखिएगा, हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं? बी एंड सी। बेसिकली हमारे 6 टाइप के विटामिन होते हैं, ए बी सी डी ई, ये रेगुलर होते हैं, और इनसे अलग होता है एक और विटामिन, दैट इज विटामिन के। जो हमारा अडेक होता है, ए डी ई के अडेक, दीज आर फैट सोल्यूबल विटामिन, और बी सी होता है हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन। यहाँ तक सबको समझ आया? चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन बी 12 इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, जल्दी बताइए दोस्तों, टाइम अप हो रहा है आपका, जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दैट्स राइट, इसका सही आंसर होगा कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या है बच्चों? एक हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन है। अभी मैंने बताया वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, वो विटामिन जो वाटर में इजिली डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे को ये वाला विटामिन मिलता किससे है? ये हमारे को फिश, मीट, फोर्टिफाइड सीरियल्स और डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है हमारे B12 के कौन कौन से टाइप होते हैं विटामिन के। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, साइनोकोबालामाइन, हाइड्रोक्सोकोबालामाइन एंड मिथाइल कोबालामीन। ठीक है, अब ये हमारे को किस लिए जरूरत पड़ती है इस विटामिन B12 की? आपने कई बार सुना होगा कि इसके अंदर विटामिन B12 की कमी हो गई। कई बार डॉक्टर कहते हैं ना कि विटामिन B12 की कमी है, तो ये किस लिए जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है ताकि हमारा जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है वो प्रॉपरली वर्क कर सके, हमारा जो रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन है वो सही से काम कर सके, और DNA सिंथेसिस में हमें हेल्प करता है। क्वेश्चन बचा आपके लिए, क्या मुझे बता सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो RBC सेल्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है? नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इतने आप इसके बारे में पढ़ के आइए।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपरली नोन एज विटामिन ई, इनमें से कौन सा है जिसका नाम विटामिन ई है। आपका टाइम शुरू होता है अब। बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों, क्या है इसका आंसर। यस, दैट्स राइट। इसका जो बच्चों आंसर है दैट इज टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है, ये केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल। आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। टोकोफेरॉल को हम और क्या कहते हैं, विटामिन ई। ठीक है, ये हमारा जो विटामिन ई होता है ये कैसा होता है, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। अब फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, जो विटामिन हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, और ये हमारे को मिलता है किसमें, ये हमारे को कुछ प्लांट ऑयल्स में या ग्रीन वेजिटेबल्स में, इनमें मिलता है। और आपके फोर्टिफाइड सीरियल्स, सीड्स एंड नट्स। फोर्टिफाइड सीरियल्स किसी को पता है क्या होते हैं, फोर्टिफाइड सीरियल्स वो होते हैं जिनके अंदर हमारे एक्स्ट्रा मिनरल्स और विटामिन उन्हें ऐड किए जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि आपका जो विटामिन ई है इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा विटामिन ऐसा है जिसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, विटामिन ई। और विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल। क्या नाम है, टोकोफेरॉल। और ये हमारे को किस किस विटामिन ई हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें मिलता है ग्रीन वेजिटेबल से, सीड्स से, नट्स से, ठीक है, फोर्टिफाइड सीरियल से। ठीक है, हमारा विटामिन ई किस चीज में मदद करता है, हमारी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग को मेंटेन करने का काम करता है, क्या, विटामिन ई। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा जो विटामिन ई है वो हमारे लिए एक एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है। किसका काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, हमने कहा कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की फंक्शनिंग में मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट के काम करता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन ई की कमी हो जाए तो हमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले जो हमारी मसल्स हैं उनमें कमजोरी आ जाएगी। दूसरा क्या है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब ये क्या होता है, जो नर्व्स हमारी ब्रेन के बाहर और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होती हैं यानी पेरिफेरी पे होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। और क्या होता है, हमारी जो आरबीसीज होती हैं उनकी जो फ्रेगिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाटर सॉल्यूबल विटामिन इज, इनमें से कौन सा विटामिन वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। ये मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, आप याद कीजिए, आपका समय होता है स्टार्ट अब। यस, जल्दी बताइए बच्चों, आपके पास 10 सेकंड्स है इसे सॉल्व करने के। मैंने अभी आपको ऊपर बताया है इनमें से कौन कौन से विटामिन हैं। यस, विटामिन बी। विटामिन बी इज वाटर सॉल्यूबल विटामिन। और जो हमारे ये वाले हैं आपके ए डी ई के, याद है, ये कौन से विटामिन थे, दीज आर फैट सॉल्यूबल विटामिन। ये कौन से थे, फैट, राइट। ये बच्चों ये कुछ हैं, इनको नाम याद कर लीजिए। इसमें क्या है कि हमें क्या बताया गया है, कौन से विटामिन से का कौन सा केमिकल नेम है और उनकी कमी की वजह से हमारे को कौन कौन सी डिजीज हो जाती है। इन्हें याद कर लेंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन नॉर्मली मेड इन किडनी, इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि किडनी में बनता है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि किडनी में भी बच्चों विटामिन की जरूरत पड़ती है, कम मात्रा में पड़ती है बट बनता है। ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। यस, विटामिन डी। हमारी किडनी के अंदर जो बनता है नॉर्मली विटामिन वो कौन सा बनता है, विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है एक ऐसा हार्मोन है जो कि किडनी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है,
लीवर और जो किडनी होती है वो क्या करती है, हमारे विटामिन डी को एक एक्टिव हार्मोन में कन्वर्ट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्सी ट्रायोल। क्या बोलते हैं, कैल्सी ट्रायोल। ये हमारा सबसे पहला काम विटामिन डी का क्या होता है, ये हमारी जो बॉडी की, हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करने में, उसे मेंटेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। और हमारे को किस किस में हेल्प करती है, ये स्ट्रॉन्ग बोन्स के डेवलपमेंट में। अब एक बार बताइए, आप सभी को पता है कि हमारे को बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम की जरूरत है, और कैल्शियम को कंट्रोल कौन कर रहा है, विटामिन डी, ठीक है। और एक तो आपको पता ही है बच्चों, विटामिन डी हमें किससे मिलता है, बेस्ट सोर्स क्या है, सनलाइट। और इसके अलावा अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो आप क्या खा सकते हैं, फिश, एग्स एंड मशरूम्स, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन लोअर्स द रेट ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फूड। इनमें से कौन से विटामिन की कमी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर, फूड के अंदर जो रेट है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का वो कम हो जाता है। आपका टाइम होता है स्टार्ट अब। मैंने अभी अभी बताया दोस्तों, जल्दी बताइए किस विटामिन की कमी की वजह से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का रेट कम हो जाता है फूड से। अभी बताया है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच द कॉमनली यूज्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ हाउ मेनी विटामिन। हमारा जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो हमारे कितने विटामिन से मिलके बना है, जल्दी बताइए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब 10 सेकेंड्स, फटाफट बताइए। अभी पढ़ाया आपने सभी ने, वेरी गुड, दैट आर 8। बी कॉम्प्लेक्स में हमारे 8 विटामिन आते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज ऑल्सो नॉन एज स्टेलिटी विटामिन, एंटी स्टेलिटी विटामिन। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कौन सा विटामिन हमारा एंटी स्टेलिटी विटामिन कहलाता है, जल्दी बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब, आपके पास 10 सेकेंड्स हैं, फटाफट बताइए। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कौन सा विटामिन है जो कि हमारा एंटी स्टेलिटी विटामिन है, विटामिन ई, दैट्स राइट। विटामिन ई हमारा क्या होता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच विटामिन इज अबुंडेंट इन सिट्रस फ्रूट्स। ये काफी सारे बच्चों को पता होगा, हमारे जो जूसी फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है, बताइए फटाफट। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, सिट्रस फ्रूट्स बताइए दोस्तों, सिट्रस फ्रूट में कौन सा विटामिन होता है, यस विटामिन सी, दैट्स राइट। वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, ये क्या होता है, विटामिन सी हमारा एक वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और ये किस लिए मदद करता है, हमारी बॉडी के अंदर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, ठीक है। और दूसरा नाम क्या है विटामिन सी का, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड, ये याद रखिएगा। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि एस्कॉर्बिक एसिड हमारा कौन से विटामिन का दूसरा नाम है, दैट इज विटामिन सी केमिकल नेम, ठीक है। हमारे ये क्या होता है, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, मीट्स होते हैं, उनमें अलग अलग क्वांटिटी में पाया जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसका जवाब दीजिए, विटामिन के डेफिशिएंसी इन अवर बॉडी लीड्स टू। अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका टाइम होता है स्टार्ट अब, बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। यस दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि हमारा जो ब्लड है उसकी क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, उसको समय लगेगा, ठीक है। हमारे बच्चों दो टाइप के विटामिन के होते हैं, एक होता है विटामिन K1 और एक होता है विटामिन K2। विटामिन K1 हमारे को किससे मिलता है, हमारे ग्रीन वेजिटेबल से, जो लीफी लीफ ग्रीन्स होती है ना उनसे, और विटामिन K2 हमें मिलता है मीट, एग, चीज प्रोडक्ट से, ठीक है। अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी हो जाती है तो क्या होता है, हमारी जो होता है ब्लीडिंग अनकंट्रोल हो जाती है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।